अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। हम सबको पता है कि बड़ी ईद आने वाली है और बड़ी ईद से पहले हम जो तैयारी करते हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल्स बाय की थी जो हमारे घरों में हमारे खानों में एवरीडे में यूज़ होती हैं। धनिया, टमाटोज, ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक और ये कुछ सैलड के लिए चेरी टमाटोज और सैलड के लिए क्यूकम्बर और सैलड लीव्स। इसको मैं आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइज करूँगी फ्रिज में कि आपके लिए ईद के जो फ्यू डेज होते हैं जो हमारी माएँ हैं, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो इतना किचन में बिजी होती हैं, तो आप ये लोग तैयारी करके रखें 3-4 दिन पहले ईद से, तो आपके लिए वो ईद के दिन बहुत आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हम जो वॉश करने वाली चीज़ें हैं ये टमाटोज और ग्रीन चिलीज को इसको वॉश करते हैं। ये आ जाएगी जी सिंक में, ये होगी जी सारे वॉश। नाउ ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिली वॉश हो गई हैं। चेरी टमाटोज, चेरी टमाटोज सैलेड में बहुत मज़े के लगते हैं, अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको यूज़ करके देखें। नाउ इट्स टर्न फॉर द कोरिएंडर लीव्स। इसको हम इसके जो स्टिक्स हैं और वो जो इसके लीव्स हैं उसको हम सेपरेट कर देते हैं। चाय का कप, धनिया बनाते हैं और साथ कोई अपना कोई फेवरेट प्रोग्राम वॉच कर सकते हैं। तो ये मैं करके आपके साथ मिलती हूँ। ये धनिया लीव्स, अब इसको हम वॉश करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये सारा धनिया सिंक में अच्छी तरह से वॉश करके इसको हम ड्रेन करने के लिए रख देंगे। अच्छा, ये अब हम गार्लिक को और जिंजर को पील करेंगे और इसका हम पेस्ट बना के इसको भी हम एक जार में डाल के फ्रिज में रख देंगे। इसमें से मैंने तकरीबन ये सेम अमाउंट में है, जितना गार्लिक है उतनी ही मेजरमेंट के हिसाब से जिंजर भी लिया है। इसमें से मैं तकरीबन 1.5 जो है ना गार्लिक, इसको मैं सेपरेट रख दूंगी, इसको मैं पील नहीं करूंगी कि अगर हमें फर्ज करो दोबारा फ्रेश ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो लोग यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक ये पीस ऑफ जिंजर को भी सेपरेट रख देंगे और बाकी मैं पील करके फिर आपके साथ आती हूँ। फिर हो गया है पील ऑफ और मैंने इसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द गार्लिक टू पील ऑफ। गार्लिक पील हो गया है, इट्स ऑल वॉश्ड, चॉपर रेडी, जार रेडी। नाउ लेट स्टार्ट। ये है जी एक जार रेडी और ये दूसरा जार रेडी। आप कोई जैम का भी एम्प्टी बॉटल हो जाए उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। ये एटलीस्ट 3 वीक्स के लिए इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो उसको अपने खानों में यूज़ करें। अच्छा जी, जो हम लोगों ने सुबह ये वॉश किए थे वेजिटेबल्स, इसको हम फ्रिज के ड्रॉ में अरेंज करते हैं। ये मेरे पास कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो मोस्टली यहाँ पर जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलती हैं तो वो इन प्लास्टिक कंटेनर्स में होती है। मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, इनको सेव कर लेती हूँ और इसी के अंदर फिर मैं इसमें अरेंज करूँगी। सबसे पहले मैं ये किचन टॉवल के साथ इसको लाइन अप करती हूँ सारा। एक साफ रुमाल लेकर ये सारे टमाटर्स को मैंने इसको ड्राई कर लिया अच्छी तरह से। ये आगे जी सारे टमाटर ड्रॉ में, चेरी टमाटर्स ऑल ड्राइड एंड इन द ड्रॉ, ग्रीन चिलीज ऑल ड्राइड। अच्छा, मैं इसके ना स्टिक्स उतार लेती हूँ ऊपर से और फिर इसमें रख दूंगी ग्रीन चिलीज भी। अब आ गई थोड़ी सी बारी फ्रूट्स की। फ्रूट्स को भी मैंने वॉश कर दी है, जो भी फ्रूट आपने फ्रिज में रखना है जो भी आपके पास है। इसको मैं ड्राई करके फिर ये इन कंटेनर्स में रख के और ये ड्रॉ में रखती हूँ। हाँ जी, ये धनिया जो मैंने पहले इसके लीव्स अलहदा किए थे इसको वॉश करके ड्राई करके ये एक डब्बे में डाल के रख दी है और ये हमारा फ्रिज का ड्रॉ रेडी हो गया है। हम लोग कोविड की वजह से वैसे भी अपनी जो ग्रोसरीज है वो घर आके साफ तो करते हैं, वॉश करते हैं जो वॉश करने वाली हो, तो आप इसको साथ ही अरेंज कर लें। बस निकाला फ्रिज में से, साफ सुथरी चीज़ें, आपको देख के भी मज़ा आएगा और रेडी टू यूज़ है। अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर जिस तरह होता है ना, जिस तरह आधा कटा हुआ टमाटर या प्याज रह गया हुआ है, तो इसको मैंने एक छोटी सी प्लेट में डाल के इसको अलहदा से रख दिया है ताकि ये जो बाकी हमारा है वो मैसअप ना हो। इधर धनिया भी रेडी है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी रेडी है
तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ईद से पहले ये तैयारी आप करके रखें और फिर मुझे इसका फीडबैक दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।